बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा की छात्रा को बंधक बनाकर दो युवकों ने गैंगरेप किया। दोनों आरोपी छात्रा के परिचित हैं और उसकी सहेली के दोस्त बताए गए हैं। सहेली से मिलने पहुंची छात्रा को घर छोड़ने के बहाने कार से हॉस्टल लेकर भी गए और जबरदस्ती शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जेल आरक्षक की मौत हो गई। वह पुल पर खड़ा हुआ था, उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी जान चली गई। तोरवा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कवर्धा स्थित बटालियन कैंप के आसपास तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में सवार होकर रास्ता रोककर धमकी चमकी देकर प्रार्थी को बखारी जंगल की तरफ ले जाकर पास रखे नकदी रकम 15,000 रुपए एवं मोबाइल को लूट लिया और भाग गए। भोरमदेव थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को मशरूका बरामद कर लिया है। राजनांदगांव के कैलाश नगर में स्थित विद्युत विभाग के एटीपी मशीन के रूम में बने लॉकर को काटकर लॉकर में रखे गए लगभग 10 लाख रुपए चोरी करने वाले बिजली विभाग के पूर्व कर्मी राकेश साहू व दीपांशु मोहबिया को गिरफ्तार कर चोरी की रकम व घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। कोरबा के घंटाघर महाराणा चौक के मध्य मुख्य मार्ग पर स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश परसाई के कार्यालय में कुछ अज्ञात चोरों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। एक पेटी को कार्यालय के बाहर भी निकाल कर ले गए, लेकिन उसमें कुछ न पाने के बाद उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरीश कांत पांडे को हटा दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने आदेश जारी किया है। सामान के लिए लाखों रुपए लेकर जालसाजी करने वाले जालसाज को बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। आरोपी विजय कुमार द्विवेदी ने बिलासपुर तारापारा निवासी कैलाश शर्मा से व्यावसायिक सामग्री के लिए 5 लाख रुपए लेकर सामान नहीं दिया था। बिलासपुर की चकरभाटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के रामावैली व जीवन विहार के मकानों में चोरी करने वाले आकाश सुरेश के साथ दो महिलाओं वृंदाबाई व सुरमिला बाई को पकड़कर उनके कब्जे से 50,000 रुपए नकद एवं एक जोड़ी सोने का टॉप्स जिसका वजन 4.5 ग्राम कीमत नकद व जेवर जब्त किया। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में डंडे से वार कर बेहोश होते तक बुरी तरह पिटाई करने से घायल युवक की घटना के 2 दिन बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर में महारानी अस्पताल के सामने लगे ठेले पर गुपचुप खा रहे व्यापारी की गाड़ी की डिक्की से 2 लाख रुपए और चांदी के जेवरात को चोरी करने वाले आरोपी ए अनिल व करण नेताम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय बाजार से पकड़कर उनके कब्जे से चोरी किए गए राशि 2,15,000 रुपए, एक चांदी का सिक्का, एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। जशपुर जिला मुख्यालय के पास गौरव पथ में गमहरिया पुल के पास बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन बाराती घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय नागरिकों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया है। अंबिकापुर शहर के मणिपुर चौकी के सामने खेत में किशोरी की मिली नग्न लाश की गुत्थी पुलिस ने आखिर सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी व उसकी पत्नी को रायगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने किशोरी से बलपूर्वक बलात्कार किया था। बलात्कार की बात किशोरी ने अपने परिजनों व सहेलियों से बताने की बात कही तो पति पत्नी ने मिलकर उसकी दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर डाली।
कोरबा चांपा मार्ग में पताड़ी में संचालित आरआर राइस मिल में लापरवाही पूर्वक काम लिए जाने की वजह से करंट की चपेट में आने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। नाराज परिजन व गांव के लोगों ने राइस मिल के मुख्य द्वार का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। राइस मिल संचालक की ओर से 3 लाख रुपए मुआवजा देने की सहमति जताई गई और 80,000 तत्काल प्रदान किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। झारखंड के लातेहार जिला के ग्राम साती तहसील बालूनाथ गए जांजगीर जिले के लगभग 31 श्रमिकों को ईट भट्टे के संचालक द्वारा मारपीट, अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित किया जा रहा था। श्रमिकों ने जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला से छुड़ाने की गुहार लगाई, जिसके बाद कलेक्टर की पहल पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने सभी बंधक मजदूरों के सकुशल छुड़ाकर जांजगीर जिला स्थित उनके गाँव पहुँचाया। ग्राहकों की ईएमआई की राशि गबन करने के मामले में कांकेर पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक कर्मी पर 30 ग्राहकों की ईएमआई की राशि के 2 लाख रुपए से अधिक के गबन के आरोप हैं। मामले में 2 साल पहले बैंक प्रबंधन की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कांकेर जिले के बड़गांव में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नदी चुआ से पुली मार्ग पर बैठकर सड़क जाम कर दिया और कूप से भरकर जा रहे बांस वाहन को रोककर सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों की मांग है कि कूप में ग्रामीणों ने जो काम किया है, चाहे वह रास्ता बनाने का कार्य हो या बांस की कटाई या अन्य संबंधित जो कार्य ग्रामीणों ने किए हैं, उनका मेहनताना, उनकी मजदूरी उन्हें दे दी जाए। कांकेर जिले के हलभा पुलिस चौकी क्षेत्र में घर की बाड़ी में रखे धान की चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से चोरी किए गए 1 क्विंटल से अधिक धान की बरामद किया है। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में पड़ोसी के सुने मकान से इलेक्ट्रिक सामान व नकदी की चोरी करने वाले आरोपी को नगरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से सामग्री व नकदी को जब्त कर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। धमतरी शहर के मकई चौक दरगाह के पास स्थित लक्ष्मी राइस मिल में काम करने वाले मजदूरों के आवास व टिन गोदाम में मंगलवार को आग लग गई। आग से सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकास खंड के ग्राम लोहरसी में मंगलवार को ग्रामीण के घर में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने मिलजुल कर 2 घंटे पर आग पर काबू पाया। हादसे के दौरान परिवार घर के अंदर आराम कर रहा था, जल्द पता चल जाने के कारण परिवार की जान बच गई। महासमुंद जिले के चिंगरौद में दिन भर नदी से रेत खनन करने के बावजूद रात में भी अवैध रूप से रेत खनन किए जाने और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने गांव के युवाओं के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। जांजगीर जिले की अकलतरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर कुंवर भवर भास्कर सिंह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के सामने बनी दुकानों में जा घुसी। हाईवा ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकानों को क्षति हुई। दुर्घटना के पश्चात शराब के नशे में चूर ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो गया। जांजगीर से पुलिस लिफ्टर मशीन के साथ पहुंची बारादवार। पुलिस व ट्रैफिक के द्वारा हाईवे में पलाड़ी चौक से जय जयपुर नाका चौक तक सड़क में खड़ी 4 बाइक को लिफ्टर मशीन की मदद से जब्त करते हुए थाना लाया गया। साथ ही 1 ट्रक व 1 पिकअप पर भी कार्रवाई की गई। जांजगीर के चांपा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने युवक का सिर इसलिए फोड़ दिया क्योंकि उसने शराब पीने के लिए उसे पैसे नहीं दिए थे।
युवक के बीच रास्ते में आरोपी ने पैसे मांगे थे मगर युवक ने इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज आरोपी ने पत्थर से उस पर हमला कर दिया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सली मंगलू मोहंदा उर्फ राजेश एवं बामन पुड़ियामी ने 24 मई को पुलिस अधीक्षक बीजापुर आंजनेय वार्ष्णेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर पंकज शुक्ला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। रायपुर के मंदिर हसौ थाना क्षेत्र के गांव पीपर हाटा में किसान दिनेश कुमार की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश ठाकुर की हत्या उसकी भाभी कल्याणी ठाकुर और गांव में रहने वाले गजानन बैस उर्फ दरोगा ने मिलकर की थी। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र की एक डिस्पेंसरी में चोरी करने गए चोर ने नकदी चुराने के साथ मल्टी विटामिन टेबलेट और सिरप चुरा लिया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर कुछ पढ़ा लिखा होगा। हालांकि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। कोरबा जिले की हार्दी बाजार चौक की पुलिस ने ग्राम बोकरा मुड़ा निवासी नाबालिग युवती को गंदी गंदी गाली देकर उसका दुपट्टा खींचने व कंधे पर हाथ रखने वाले आरोपियों प्रदीप दास उर्फ छोटन दास, रंजीत दास उर्फ मोटू दास, संदीप दास उर्फ बतारू दास को प्रार्थिया की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है।